दोस्तों सुविज्ञा एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कृतार्थ नियम के प्रथम सर्ग के कुछ प्रश्न देखे थे और जो कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे उन प्रश्नों को आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उन प्रश्नों को क्रमशः आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें और प्रथम सर्ग को एक बार पहले पढ़ लें, बाद में इन प्रश्नों को हल करें, जिससे कि आपसे और अच्छे से यह प्रश्न बन जाएंगे। आप लोगों ने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार का सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, जिस बटन को आपको प्रेस करना है, जिससे कि और आगे जो मैं वीडियो डालूंगा वह वीडियो आपके पास सीधे स्क्रीन पर शो होने लगेगा, आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए देखते हैं जो कि प्रश्न पहले से देखते हैं। यह प्रश्न हमने पिछले वीडियो में नहीं देखे थे तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ। देखते हैं, महाकवि भारवी की पत्नी का क्या नाम था? महाकवि भारवी की पत्नी का नाम रसिकवती था। महाकवि भारवी की उपाधि कौन सी थी? तो उन्हें आतपत्र भारवी कहा जाता था। कृतार्थ नियम के 15वें सर्ग पर किसने टीका लिखी? कृतार्थ नियम के 15वें सर्ग पर किसने टीका लिखी? तो विद्वान नरेश दुर्विनीत ने, दुर्विनीत नाम के राजा ने टीका लिखी है। देखते हैं, भारवी किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? किस गोत्र में उत्पन्न थे? तो कुशिक या कौशिक गोत्र में उत्पन्न थे और ब्राह्मण थे। यहां ब्राह्मण ठीक से लिख रहे हैं, ब्राह्मण थे। भारवी का जन्म कहां हुआ था? भारवी का जन्म नासिक के समीप अचलपुर नामक ग्राम में हुआ था। भारवी से प्रभावित कौन थे? तो भारवी से प्रभावित महाकवि माघ थे। कृतार्थ नियम में कितने श्लोक हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि कृतार्थ नियम में 18 सर्ग और 240 श्लोक हैं। कृतार्थ नियम के नायक नायिका कौन हैं? तो कृतार्थ नियम में नायक तो अर्जुन हैं, जो कि मध्यम पांडव हैं, और नायिका द्रौपदी हैं। इसके बाद में प्रतिनायक जो कहा जाए तो प्रतिनायक क्रात भेषधारी भगवान शंकर हैं। कृतार्थ नियम में कौन सी रीति और गुण है? कौन सी रीति है और कौन सा गुण है? तो जो पहला सर्ग है कृतार्थ नियम का, पहले सर्ग में तो वैदर्भी रीति है, लेकिन अन्य सभी सर्गों में लगभग पांचाली रीति प्राप्त होती है और ओज गुण प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो पहला सर्ग है उसमें वैदर्भी रीति है। देखते हैं, कृतार्थ नियम का नायक किस प्रकार का नायक है? तो नायक चार प्रकार के होते हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो इनमें से धीरोदात्त नायक की कोटि में इस नायक को अपन ले सकते हैं। इस ग्रंथ का आरंभ या कृतार्थ नियम का प्रारंभ और अंत किस शब्द से है? तो इसका प्रारंभ श्री शब्द से है और अंत लक्ष्मी शब्द से है। महाकवि भारवी के काव्य को क्या कहा जाता है? महाकवि भारवी के काव्य को लक्ष्मी काव्य भी कहा जाता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं, कृतार्थ नियम का नायक किस प्रकार का नायक है? धीरोदात्त नायक है। यह प्रश्न अपन ने देख लिए हैं। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, कृतार्थ नियम के प्रथम सर्ग के 45वें और 46वें श्लोक में कौन सा छंद है? तो 45वें श्लोक में तो पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? घंटापथ आप लोगों को पता होगा, मल्लिनाथ जी ने कृतार्थ नियम पर टीका लिखी है जिसका नाम है राजमार्ग। घंटापथ का कृतार्थ नियम पर अन्य प्रसिद्ध टीकाकार और कौन से हैं? अन्य और कौन सी टीका है? तो शब्दार्थ दीपिका नाम की एक टीका है जो कि श्री चित्रभानु जी ने लिखी है और यह 3 सर्गों पर ही प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, कृतार्थ नियम का 15वां सर्ग किस काव्य के लिए सुप्रसिद्ध है? किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्र काव्य के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, नारिकेल फल सम्मित वचः यह कथन किसके लिए है? किसके लिए यह कथन है? तो यह आचार्य मल्लिनाथ जी ने भारवी के लिए कहा है। आचार्य मल्लिनाथ जी के पिता का नाम क्या था? तो आचार्य मल्लिनाथ जी के पिता का नाम कार्दिन था। आगे देखते हैं, संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किस सर्ग में प्राप्त होता है? संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन 8 से 9 सर्ग में प्राप्त होता है, 8वें और 9वें सर्ग में। युद्ध का वर्णन और युद्ध में वीर रस का वर्णन, मतलब युद्ध वर्णन में वीर रस का वर्णन किस सर्ग में प्राप्त होता है? तो 13 से 17वें सर्ग में। उपमा अलंकार का वर्णन भी 13 से 17वें सर्ग में प्राप्त होता है। देखते हैं,
ना शब्द को लेकर श्लोक लिखने वाले कवि कौन हैं? ना शब्द को लेकर श्लोक लिखने वाले कवि महाकवि भारवी हैं। भारवी द्वारा कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो भारवी द्वारा कुल 13 छंदों का प्रयोग किया गया है। कृतार्जुन नियम में एक अक्षर वाले श्लोकों की संख्या कितनी है? तो कृतार्जुन नियम महाकाव्य में एक अक्षर वाले श्लोकों की संख्या 7 है, केवल 7। भारवी किस संप्रदाय के उपासक थे, किन्हें मानते थे? तो भारवी शैव संप्रदाय के उपासक थे और जो माघ थे वह वैष्णव संप्रदाय के उपासक थे। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि भारवी तो शैव थे और जो माघ थे वह कौन थे? तो वह वैष्णव थे या फिर वैष्णव मत को मानते थे। भारवी ने किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है? भारवी ने 3 शब्दालंकारों का प्रयोग किया है, 60 अर्थालंकारों का प्रयोग किया है और 7 चित्रालंकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार से उपमा का वर्णन भी बहुत सुंदर किया है। आगे देखते हैं, कृतार्जुन नियम के किस सर्ग में भगवान शिव की भावुक स्तुति की गई है? किस सर्ग में भावुक स्तुति की गई है? तो 18वें सर्ग में भगवान शंकर की भावुक स्तुति की गई है। अर्जुन तपस्या करने के लिए किस पर्वत पर गए थे? तो अर्जुन तपस्या करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर गए थे, इंद्रकील पर्वत पर। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र किस सर्ग में प्राप्त होता है? किस सर्ग में प्राप्त होता है? तो यह 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। वनेचर प्रथम सर्ग के किस श्लोक तक बकता है? मतलब जो आपने कृतार्जुन नियम का प्रथम सर्ग पढ़ा होगा उसमें वनेचर का वर्णन प्रारंभ से ही स्टार्ट हो जाता है। श्रेय करुणा मधिपश्य पालनीम प्रज्ञासुवृत्तिम यमयुंग वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचर। तो यहीं से प्रथम श्लोक से ही वनेचर का वर्णन प्रारंभ हो जाता है, वनेचर द्वैत वन में आता है। तो इसका वर्णन कहाँ तक है? 25वें श्लोक तक जो वनेचर है वह अपनी बात कहता है प्रथम सर्ग के। ब्रकोदर किसका दूसरा नाम है? तो ब्रकोदर भीम को कहा जाता है। नकुल के शरीर की तुलना किससे की गई है? तो नकुल के शरीर की तुलना जुड़वा हाथियों के समान या जुड़वा हाथियों से की गई है। नकुल और सहदेव के शरीर की तुलना दो जुड़वा हाथियों के समान की गई है। परिभ्रमण, परिभ्रमण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो परिभ्रमण शब्द में सत्री प्रत्यय है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी कहाँ के निवासी थे? अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दक्षिण भारत के निवासी थे। अतोरहसी छंतु मसाधु साधुवा, इसमें कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? तो इसमें वनेचर युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहा है कि मैं जो भी सही या गलत कहूँ वह सब आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं एक वनेचर कह लें या फिर एक दूत हूँ। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, मैं किसके द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? किसके द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? तो दुर्योधन के द्वारा। त्रिगणा शब्द जो आया था वह इसी के लिए था, वह धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों को लेकर चलता था। व्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम, व्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम, किसको संबोधित करके कहा गया है? तो यह युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा गया है। वनवास के समय में अर्जुन जंगल में क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? तो क्या लाते हैं और युधिष्ठिर को देते हैं? तो बलकल वस्त्र लाते हैं। आगे देखते हैं, कृतार्जुन नियम में युगल भ्राता के रूप में किसका वर्णन है? तो युगल भ्राता के रूप में नकुल और सहदेव का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, करुणा मधिपह, करुणा मधिपह किसे कहा गया है? तो दुर्योधन को कहा गया है जो कि कुरु जनपद का अधिपति है। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था या फिर कैसे लगा रहता है? तो दुशासन को युवराज पद पर बिठाकर और वह यज्ञ आदि कार्य किया करता है। दोस्तों, इस प्रकार से जो प्रश्न बचे थे इन प्रश्नों को अपन ने यहाँ पर हल किया। यदि आप लोग हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं और इस प्रकार के और भी प्रश्न जो कि उत्तर रामचरितम और मेघदूत शिशुपाल वध आदि पर आपको सीधे प्राप्त हो जाएं, इसके लिए आप हमारा चैनल जो सुविज्ञा एकेडमी है सुनील जैन नाम से वह सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम लोग सीधे आपको यह वीडियोस ला सकें। नमस्कार दोस्तों।